नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूँ आप सबका आरएमडी हाईटेक पे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस वॉचेस मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, और जब भी हम बात करते हैं फिटनेस वॉच या स्मार्ट वॉच के बारे में, फिटबिट का नाम ज़रूर सामने आता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइनअप मार्केट में मौजूद है। फिटबिट ने लॉन्च किया है वर्सा 2। तो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं वर्सा 2 के बारे में, और क्या है इसके नए अपग्रेड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो सब जानेंगे अनबॉक्सिंग के दौरान। मैंने ये प्री ऑर्डर किया था US में, बेस्ट बाय में, तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास मुझे ये पड़ा, और इंडिया में इसकी कीमत अभी अनाउंस की गई है 20,999, और अगर आप स्पेशल एडिशन के लिए जाते हो तो 22,999। तो बस यही है, हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये फिटबिट वर्सा 2। जानते हैं इसके बॉक्स कंटेंट में क्या क्या है, क्या क्या कुछ खास मिलता है हमें, कैसे सेटअप करना है ये घड़ी, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने फिटबिट वर्सा 2 का पैकेज। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं एक्चुअल पैकेज कैसे दिखता है और क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। जैसे कि मैंने कहा था, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हुआ था, इसके अंदर और कुछ है नहीं, तो हम इसे बाजू में रखते हैं। और ये है हमारा ओरिजिनल पैकेज। ये भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये रहा फिटबिट वर्सा 2 का पूरा बॉक्स, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिटबिट वर्सा 2 का लोगो है, और ये उसका नंबर, मॉडल नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके की फंक्शंस या की फीचर्स दिए गए हैं। इसमें वॉइस कंट्रोल ऐड किया हुआ है, और इसके ऊपर बहुत सारे ऑलमोस्ट 300 प्लस सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हो और प्ले कर सकते हो। और फिटबिट पे, जो कि प्रीवियस वर्जन में सिर्फ स्पेशल एडिशंस में दिया जाता था, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें दो साइज के बैंड्स आते हैं, स्मॉल और लार्ज। बॉक्स के साइड में इसमें दिया गया है बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि अमेजॉन एलास्का इसमें इंटीग्रेट किया गया है, तो बहुत सारे टास्क जैसे कि रिमाइंडर सेट करना या फिर अलार्म सेट करना, ऐसे बहुत सारे टास्क आप एकम्प्लिश कर सकते हो अमेजॉन अलास्का यूज़ करके वॉइस कमांड के थ्रू। और इसमें 24/7 हार्ट रेट ट्रैकिंग होता है, इसमें हार्ट ट्रैकिंग सेंसर ऐड किया गया है। ये जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है बैटरी लाइफ 4+, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, बिकॉज अगर आप फिटबिट के वेबसाइट पर जाओगे fitbit.com पे, तो वहाँ पर 6+ दिया गया है, बॉक्स पे 4+ दिया गया है। और इसका और एक बॉक्स आता है जिसके साथ बैंड्स फ्री आते हैं, तो उस बॉक्स पे 5+ दिया गया है, लेकिन अगर कस्टमर की रिव्यूज़ के को देखें तो आसानी से 5+ की बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे दिए गए हैं काफ़ी सारे फीचर्स फिटबिट वर्सा 2 के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें 24/7 हार्ट ट्रैकिंग सेंसर है, स्विम प्रूफ है, और जैसे कि हम सबको मालूम है कि 50 मीटर तक ये स्विम प्रूफ है। आप जो भी एक्सरसाइज करोगे वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करेगा, आपको अलग से उस मोड में जाके इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 से भी ज़्यादा एक्सरसाइजेस आप इसमें ट्रैक कर सकते हो, अलग अलग एक्सरसाइज मोड्स इसमें हैं, और कनेक्टेड GPS है, मतलब इसमें बिल्ट इन GPS नहीं है, आपको फ़ोन के GPS के थ्रू कनेक्ट करके इसको यूज़ करना पड़ेगा। बिल्ट इन अमेजॉन अलास्का है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक बहुत ही मेजर अपग्रेड है इसके लिए। तो ये कुछ की फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें दो मेजर फीचर्स नहीं दिए गए हैं इसके बारे में, उन्हें आप फीचर्स नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है फ्रेंड्स, ये AMOLED स्क्रीन है, जिसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है। और ये रहा वॉच। सो दैट्स इट दोस्तों, तो देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग और जानते हैं कैसा है ये वॉच और क्या है इस बॉक्स कंटेंट के अंदर।
तो आपको यहाँ पे एक फिटबिट का लोगो दिखाई देगा, आपको सिर्फ उसको पुल करना है। बहुत ही आसान मेथड दी गई है अनबॉक्सिंग करने के लिए। यहाँ पे फिर से एक लोगो दिखेगा, आपको ये पुल करना है। और ये रहा वॉच आपके सामने। तो वॉच के बारे में तो हम देखेंगे। तो ये है इसका मेन वॉच। तो पहले देखते हैं क्या क्या आता है इस एक्सेसरीज के साथ में। ये एक छोटा सा मैनुअल दिया गया है जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको फिटबिट का ऐप डाउनलोड करना है और कैसे इसको सेटअप करना है। और ये छोटे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा बैंड्स कैसे रिप्लेस करने हैं। बाजू में रखते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि इसके साथ एक लार्ज बैंड भी आता है और बैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। और ये जैसे कि हमने कहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई थी, तो हमें ये पिन पुल करके ये बैंड इंस्टॉल करना है, या फिर कर सकते हैं अगर आपको बड़ा बैंड इंस्टॉल करना है तो। इसके साथ और आता है ये चार्जर। ये USB चार्जर मिलता है हमें। और यहाँ पे इसके चार्जिंग पिन्स है और ये इस तरह से प्रेस करके एक्सटेंड किया जा सकता है जहाँ पे ये वॉच जाएगा और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो हम आते हैं वॉच की तरफ। यही है बॉक्स के अंदर। तो ये है ये वॉच और ये फिर से एक लोगो, तो उसे हमको फॉलो करना है। तो दोस्तों वॉच काफी प्रीमियम दिखता है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। और हम देखते हैं इसका क्विक ओवरव्यू। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो कि पुराने फिटबिट में यहाँ पे दो बटन्स हुआ करते थे, वो निकाल दिए गए हैं और वो रिप्लेस किए गए हैं एक छोटे से माइक्रोफोन के थ्रू, जिसके जरिए आप एलेक्सा को ऑपरेट कर सकते हो। और लेफ्ट साइड में एक बटन दिया गया है। स्ट्रैप काफ़ी मजबूत है। और अगर आप देखोगे तो ये एक फीचर काफ़ी अच्छा है, जब आप स्ट्रैप इंस्टॉल करते हो तो इस स्ट्रैप होल्डर के अंदर भी एक नॉब दिया गया है, जिसमें ये स्ट्रैप आसानी से और मजबूती से फिट होता है। तो काफ़ी अच्छा, छोटा बट काफ़ी अच्छा फीचर है। और ये है इसके सेंसर्स और ये है वो पिंच जो जाएंगे बैटरी में जब भी आप उसे चार्ज करते हो। तो दोस्तों जल्दी से ऑन कर देता हूँ मैं इस वॉच को और देखते हैं कैसे सेटअप करना है। इसके लिए एक आपको फिटबिट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों और उसमें साइन अप करना पड़ेगा। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है और अपना साइन इन भी किया है। तो जब आप एप्लीकेशन में जाते हो तो आपको आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाके सेटअप डिवाइस पर क्लिक करना पड़ेगा और जो भी आपका मॉडल नंबर होगा वॉच का, अपने केस में वर्सा 2 है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखाएगा सेटअप योर फिटबिट वर्सा 2। जो भी प्राइवेसी स्टेटमेंट होगा उसे एक्सेप्ट करके ये आपको दिखा रहा है कि चार्जर कैसे कनेक्ट करना है और कैसे उसको यूज़ करना है।
और ये सजेस्ट करता है चार्ज कीजिए आपका फिटबिट डिवाइस, सो वी कैन जस्ट गो अहेड। तो जब ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये कोड जनरेट करेगा 2734, जो कि आपको एंटर करना है पेयरिंग के पर्पस से। यहाँ के ऊपर आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। तो मैं फटाफट वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने वाईफाई को कनेक्ट किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है सक्सेसफुल कनेक्शन का, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे एक कुछ अपडेट्स सेंड कर रहा है वॉच के ऊपर, तो स्टार्ट अपडेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट करने के लिए एक थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो पॉज करके जब भी अपडेट पूरा हो जाएगा तो हम लोग रिज्यूम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन पे जो सेटअप चल रहा है वहाँ पे भी आपको मैसेज दिखाई देगा, वर्सा 2 इज़ रेडी एंड कंटिन्यू सकते हो। सो ये रिस्ट पे डालना है और ये एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे बैंड कैसे चेंज करना है वो दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा वेयर एंड टेयर टिप्स दिया गया है, तो आप कर सकते हैं उसके लिए। तो ये वर्सा 2 आपका सेटअप हो चुका है और अलास्का में भी मैंने लॉगिन किया था। तो देखते हैं वॉच के ऊपर, जैसे कि वहाँ पे सजेस्ट किया था यहाँ पे भी क्विक टिप्स दिए गए हैं। स्टार्ट आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं ये बटन दबाने के बाद, अलास्का और फिटबिट पे। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए फिजिबल होगा। मैंने अलास्का रखा है। सो यहाँ पे कुछ टेस्ट दिखाया जाता है नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर के लिए। आपको एक्सरसाइज के स्टेट्स वगैरह जानने हैं तो आपको पता चलेंगे। तो ये है हमारा पूरा सेटअप दोस्तों वॉच के बारे में, और जैसे कि इसमें बताया गया था बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस दिखाएगा कितना आपने रनिंग किया है एंड ऑल। यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो। अगर Spotify ऐप के लिए आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आप सॉन्ग्स भी अलास्का के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे एक रिलैक्सेशन के लिए 2 मिनट का सेशन दिया गया है, जो कि कुछ नहीं बल्कि एक मेडिटेशन जैसा है। तो एक सर्कल आएगा, उसे आपको फॉलो करना है। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे दोस्तों तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये ब्राइटनेस का ऑप्शन यहाँ पे भी है और कंट्रोल सेंटर में भी है, तो हम लोग वहाँ से मैनेज करेंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी कंट्रोल सेंटर में ऑप्शन दिया गया है। स्क्रीन वेक, अगर आपको ऑटो मोशन पे रखना है तो दैट इज़ द बेस्ट, नहीं तो फिर आप इसमें मैनुअल भी रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अबाउट में जाओगे तो यहाँ पे आप ये वॉच फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो इन केस अगर ज़रूरत पड़ी, और शट डाउन भी करके रख सकते हो। और अगर रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन देखोगे तो ये IP68 सर्टिफाइड है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है 50 मीटर तक, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। और इंटरनल मेमोरी जो आपको मिलती है वो 2.5 GB के आसपास अवेलेबल रहेगी। तो मेन स्क्रीन पे आने के बाद आप अगर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये आपका
नोटिफिकेशन सेंटर होगा, आपके जो भी मैसेजेस आएंगे, मिस कॉल्स होंगे, यहाँ पे सब दिखाई देंगे। और नोटिफिकेशन सेंटर्स के ऊपर आपको कंट्रोल सेंटर भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है, स्लीप मोड का ऑप्शन मिलता है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैं ऑन कर रहा हूँ, ब्राइटनेस में दो तीन सेटिंग्स है जो डिम, मैक्स और नॉर्मल, तो हम लोग अभी मैक्स पे रख रहे हैं। और जैसे कि हमने बोला था स्क्रीन अवेक का, तो ये सारे ऑप्शंस आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएंगे। और आपके जो एक्सरसाइज के स्टेट्स है आप यहाँ से देख सकते हो। तो बस दोस्तों यही है वसा टू, और आपको एक ऐप भी मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो जिसे बोलते हैं कोच, तो जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वहाँ पे ऑन स्क्रीन वर्कआउट्स भी दिखाई देंगे जिसको आपको फॉलो करना है बेटर एक्सरसाइज के लिए। ये वॉच फेस चेंज करने के लिए भी आप एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों ये वॉच फेस इंस्टॉल हो चुका है। तो देखते हैं वॉच के ऊपर, ये देखिए, तो ये रहेगा नया वॉच फेस। पहले एनालॉग था, ये अभी मैंने डिजिटल किया है। ये थोड़ा आसान जाएगा आपको स्टेप्स, हार्ट बीट और कैलोरीज काउंट करने के लिए, बाकी सेम ऑप्शंस रहेंगे। और मैं बात कर रहा था कोच एप्लीकेशंस की, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑन स्क्रीन वर्कआउट के लिए। और कंट्रोल सेंटर में भी आपको कार्ड रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप फिटबिट पे यूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप ये ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे अगर प्रेस करके रखूँगा तो ये एलएस का एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप चेंज करके फिटबिट पे का ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स इट द फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कुछ अच्छे वीडियोस और बनाने के लिए। और आपके जो भी सजेशंस, आपके जो भी इनपुट्स होंगे वो ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।